रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह सबको खैर खैरियत से अपने घरों में खुशो आबाद रखे और हर किस्म की परेशानियों से बचाए रखे। आज हम आपको बहुत अच्छी रेसिपी दे रहे हैं साबुत मूंग गोश्त की, जो बहुत मज़े की बनेगी। सबसे पहले हमने 1 कप साबुत मूंग ले लिए हैं, ये इस शक्ल के होते हैं, और इनको हम थोड़ा सा फ्राई पैन में भूनेंगे। अब हम इसे ठंडा होने का मौका देंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। एक बड़े साइज की प्याज मैंने काट ली है बारीक, और आधा कप ऑयल डाल लिया है मैंने कुकर में। जी, प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, हम चूल्हे को हल्का करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने फ्रेश इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी मैं। चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम 1/2 kg जो है वो बीफ ऐड करेंगे। 1-2 हाथ चला लेंगे। अब पानी ऐड करेंगे हम। चार कप मैंने पानी डाला है, क्योंकि ये गोश्त जो है ये 15 से 20 मिनट लेगा। कुकर को हम बंद कर देंगे और कुकर में गलाएंगे ताकि हमारा टाइम बचे। कुकर हमने खोल लिया है, गोश्त गल चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी है जो हम कुछ कर रहे हैं। गोश्त को हम अच्छी तरह भून लेंगे। हमने दाल धो के भिगो दी थी, अब हमने इसी कुकर में दाल जो है वो शिफ्ट कर दी है, और इसमें हमने तकरीबन 4 कप जो है वो पानी ऐड किया है। ये देखें, ये दाल हमने भिगो दी थी और अब इसमें डाल दी हमने पानी और दाल है ये। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, वो आपको बताते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक का हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने गोश्त में भी मसाले डाले हुए हैं ये सोच के हमने इसमें मसाले डालने। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे भर के। थोड़ी सी बिल्कुल हम प्याज ऐड करेंगे। अब हम कुकर को 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 15 मिनट का हम इसे प्रेशर देंगे, दाल बहुत अच्छी सी गल जाएगी 15 मिनट में। जी देखें, दाल बिल्कुल गली हुई है। इसको हल्का सा हम दाल को घोटेंगे, दाल गल चुकी है। हम हल्का सा इसे घोट लेंगे थोड़ा सा। दाल हमारी ये घुट गई है जितनी हमें घोटनी थी। इसी स्टेज पे जो हमने गोश्त भून के निकाल लिया था हम वो ऐड करेंगे। जी अभी ये ज्यादा गाढ़ी है, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, 1/2 कप, क्योंकि अभी ये 10 मिनट पकेगी भी। जी थोड़ा पानी ऐड करूंगी मैं, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा जितनी आपको गाढ़ी चाहिए। थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक इसमें डाल देंगे हम। हल्की आंच पे ये 10 मिनट पकेगी। अब हम इसमें, हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून भर के सफेद जीरा, 1 टीस्पून हमने लिया है सौंफ का, और 1 चुटकी जो है हमने अजवाइन ली है। हम ये इसमें डाल के इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। जी अब इसे ठंडा करके हम इसे मोटा मोटा कूट लेंगे और 1 टीस्पून भर के फिर मैं दाल में ऐड करूंगी। जी दाल हमारी तैयार हो गई है, देखें
कितनी अच्छी बनी है दाल हमारी। अब हमने जो सफेद जीरा और सौंफ पीसी थी ये वो है, और ये घर का गरम मसाला है जो हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और तकरीबन 1.5 टीस्पून ये सौंफ और जीरा ये इसमें हम डालेंगे, कूट लिया हमने इसे अच्छी तरह। बारीक प्याज एक छोटी गट्ठी हमने काट के इसमें घी में डाली है, और 2-3 ये साबुत मिर्चें डाली हैं। जी प्याज होने वाली है, हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जीरा भी ऐड कर देंगे। चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा बघार मैं डोंगे में डाल दूंगी और थोड़ा कुकर में जो दाल बची है उसमें। ये देखें कितनी बेहतरीन दाल हमारी तैयार हो गई है, जो बहुत मजे की बनी है। गोश्त भी बहुत अच्छे से गला हुआ है। बेहद मजेदार साबुत मूंग गोश्त तैयार हो गया है, जो बहुत मजे का बना है। साथ में हमने राइस बॉईल किए हैं। उम्मीद है आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, बेहद मज़े की ये बनती है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे आप, इतनी ये लजीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।